तो स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट इन प्लानिंग को हम डिस्कस करेंगे कि जो हमने प्लान फॉर्मुलेट करा है उसको हमने अचीव कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए, अब डेफिनेशन भी आप देख सकते हो यहाँ पे, डेवलपमेंट स्ट्रेटजी मींस टेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग फैक्टर्स डिटरमाइनिंग ग्रोथ। तो ये ऐसे डिसीजंस हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए ग्रोथ किया जा सकता है। तो ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, प्राइस हो गया, लेबर हो गया, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज हो गई, ठीक है। तो इनको ध्यान में रखते हुए आपने इस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है कि जो आपने ऑब्जेक्टिव रखे हैं उसको आप अचीव कर सको, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इट कैन बी से दैट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी रेफर्स टू द डिटेल एक्शन विच इज़ टू बी अडोप्टेड टू अचीव डेफिनेट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये एक एक्शंस हैं, सेट ऑफ एक्शंस हैं जिसे कि इस्तेमाल करा जाता है ताकि जो हमने ऑब्जेक्टिव रखे हुए हैं उसे हम अचीव कर पाए, ठीक है। तो आप देखिए, इंटरलिंक कर पा रहे हो। देखिए, प्रायोरिटीज़ की जब हम बात कर रहे थे तो हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ठीक है, इनको हमने किस तरीके से प्रायोरिटीज़ देनी है, ठीक है, किसको कितनी प्रायोरिटीज़ देनी है, ठीक है, उसमें किस तरीके का बैलेंस रखना है, हमने मैथमेटिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है या फिर इकोनॉमिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, ये आपकी प्रायोरिटीज़ में आ जाती हैं, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मेरे 80% मार्क्स आ जाए, तो उसके लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ठीक है। ठीक उसी तरह जब आप प्लानिंग की बात करते हो तो प्लानिंग में किस किस सेक्टर को आपने प्रायोरिटी देनी है, ये एक अलग चीज़ है। अब वो आपने प्रायोरिटीज़ दी हैं और जो आपने ऑब्जेक्टिव रखे हुए हैं कि हमने अचीव करना है, उसको अचीव कैसे करना है, उस मेथड को हम कहते हैं स्ट्रेटजी, ठीक है। तो आपको स्ट्रेटजी किस तरीके की बनानी होगी, स्ट्रेटजी बेसिकली हम स्ट्रेटजी किसके लिए बना रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। आप ग्रोथ आप कर रही है कंट्री, दैट मीन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को यहाँ पे इंटरचेंजली यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग का क्या पैटर्न है, ठीक है। तो देखिए, डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कितना ज़रूरी है आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट लार्ज स्केल पे हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। और जब इन्वेस्टमेंट होगा तो दैट मीन्स कि कई लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिलेगा, ठीक है, रोज़गार मिलेगा, इनकम जो है हाई होगी, एंड देन सेविंग का जो लेवल है वो भी काफ़ी हाई होगा, और इसके चलते जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का वो काफ़ी हाई होगा। और फिर जो डेवलपमेंट की हमने स्ट्रेटेजी रखी हुई है कि हम डेवलपमेंट करेंगे तो उसे हम अचीव कर पाएंगे, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट जो है हाई होगी, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, यहाँ पे वेरियस फैक्टर्स हैं, जैसे कि हाउ मच इंक्रीज, ये देखिए फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ मच इंक्रीज इज़ टू बी इफेक्टेड इन नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। तो इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि कितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे और उस इन्वेस्टमेंट से नेशनल इनकम में और पर कैपिटा इनकम में कितना इफेक्ट आएगा, ये देखते हुए आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है। एंड देन इन्वेस्टमेंट के लिए देखिए, इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन आप ये भी लिख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट जो है वो किस पे डिपेंड करती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आल्सो, ठीक है। तो अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो भी रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो हाई होगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये देखा जाता है, वो टारगेट हैज़ बिन फिक्स्ड रिगार्डिंग रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एक्सेट्रा इन द कंट्री। अब एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें लेट अस से कि 6% जो ग्रोथ टारगेट रखा हुआ है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 7% रखा हुआ है, तो डिपेंडिंग अपॉन द टारगेट यू हैव फिक्स्ड उसके हिसाब से जो है इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक और फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो उसका जो प्रोपोर्शन होगा वो कैसा होगा, वो है कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है। कैपिटल आउटपुट रेशियो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए, कैपिटल आउटपुट का मतलब होता है, कैपिटल आउटपुट रेशियो का, कि जैसे सपोज कर लो कैपिटल आउटपुट जो रेशियो है वो 3:1 है, दैट मीन्स कि फॉर गेटिंग एन आउटपुट वर्थ ₹1 यू हैव टू पे 3 यूनिट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो 1 रुपये जिसकी कीमत है उसको प्रोड्यूस करने के लिए आपको 3 यूनिट ऑफ कैपिटल आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे देखिए बेसिकली होगा क्या, जो आउटपुट जो है वो काफ़ी कॉस्टली होगी, जो कि नेशन के हित में नहीं है। यहाँ पे गलत इन्होंने शायद लिखा हुआ है, इफ़ कैपिटल रेशियो इज़ हाई देन लार्ज इन्वेस्टमेंट विल हैव टू बी मेड। देखिए, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि देखिए, लेट अस से कि 32% जो है आपने इन्वेस्टमेंट किया है टोटल GDP में, ठीक है, 32% आपने इन्वेस्टमेंट किया है,
और 32% इन्वेस्टमेंट करने से जो ग्रोथ रेट है आपकी कंट्री की वो हो जाती है 8%। ठीक है, तो जब आप इसे 32/8 अब जब करोगे तो दैट इज़ इक्वल टू 4। दैट मीन्स कि आपको 1% सॉरी 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो है आपको 4 यूनिट खर्च करना पड़ रहा है। ठीक है, सो यहाँ से देखिए आपको ये समझ लगनी चाहिए बात कि जब आप ग्रोथ रेट की बात करते हो तो कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, लेट अस से कि कंट्री है उसने 9% जो है वो ग्रोथ रेट अचीव करना है। ठीक है, अब कैपिटल आउटपुट रेशियो की जब इंडिया में बात करते हैं तो वो 4% आती है। ठीक है, और आपने 9% से ग्रो करना है, दैट मीन्स 4 × 9 इज़ व्हाट, दैट इज़ 36%। दैट मीन्स यू हैव टू इन्वेस्ट 33% ऑफ टोटल GDP। ठीक है, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था। तो ये सभी चीज़ें हैं जिसे देखते हुए इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। एंड देन फोर्थली अगर देखा जाए तो ये इन्वेस्टमेंट जो है इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से टेक्निक यूज़ कर रहे हो। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो है वेदर इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। तो जब आप एक अंडर डेवलप इकोनॉमी की बात करोगे तो वहाँ पे क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी हाई होती है तो इसके चलते लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो है उसमें इन्वेस्टमेंट आप करोगे और कैपिटल जो है यहाँ पे काफ़ी कम आपका होगा यूज़। और दूसरी तरफ एक डेवलप इकोनॉमी की बात करो तो वहाँ पे जो होगा कैपिटल इंटेंसिव जो लेबर है वो इस्तेमाल की जाती है, फिर वहाँ पे जो कैपिटल में जो है आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी है कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट और सेविंग को हमने एक बैलेंस बना के चलना है और इन्वेस्टमेंट जो है किस किस तरीके से आपने करनी है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी में हमने पहले डिस्कस किया है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग एंड देन प्रायोरिटीज़ इन प्लानिंग। ठीक है, तो आपने डेवलपमेंट करना, देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट इन प्लानिंग। ठीक है, आपकी स्ट्रेटेजी किस तरीके की होनी चाहिए जिससे आप डेवलपमेंट जो है उसको अचीव कर सको। ठीक है, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग हमने डिस्कस करा, उसके बाद हम देख रहे हैं प्रायोरिटीज़ इन प्लानिंग। तो प्लानिंग में आपने किन किन चीज़ों को प्रायोरिटी दी, क्या आपने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रायोरिटी दी है, क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रायोरिटी दी है, कंजम्पशन को दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन को दिया है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को दिया है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सभी जो प्रायोरिटीज़ जो हैं आपकी ये डिसाइड करती हैं कि आपका जो डेवलपमेंट है वो कितने बड़े लेवल पे होगा। क्या आपने अपने प्लानिंग में हेल्थ सेक्टर को प्रायोरिटी दी है, क्या आपने प्लानिंग में एजुकेशन को प्रायोरिटी दी है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं ये डिटरमाइन करती हैं कि डेवलपमेंट होता है किसी कंट्री में या फिर नहीं होता है। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो प्रायोरिटीज़ देने के मामले में कुछ इस तरीके की होनी चाहिए जिससे डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, एंड देन रिलेशन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर अलोन जो है वो कुछ नहीं कर सकता है एंड देन प्राइवेट सेक्टर अलोन कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आपकी स्ट्रेटेजी इस तरीके की होनी चाहिए कि दोनों में एक बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन रिसोर्सेज अगर आप नहीं भी करो तो भी चलेगा, इसके जगह मैं आपको एक और स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। यहाँ पे जो प्राइस इन्होंने लिखा हुआ है तो प्राइस स्टेबिलिटी करके आप एक पॉइंट बना सकते हो। ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि किसी कंट्री में ना तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है और ना डिफ्लेशन की सिचुएशन है। ठीक है, दैट मीन्स कि प्राइस जो है वो स्टेबल है, और जब किसी कंट्री में प्राइस स्टेबल होता है दैट मीन्स कि वहाँ पे स्टेबिलिटी है उस कंट्री में और जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो स्टेबल है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जो है इकॉनमी आपकी दे रही है। ठीक है, तो ये भी आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इस तरीके से भी आप डेवलपमेंट को जो है अचीव कर सकते हो। ठीक है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में मेनली इन्होंने बात किया हुआ है कि जो प्राइस मैकेनिज्म पे इन्होंने जोर दिया हुआ है कि प्राइस मैकेनिज्म बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी किसी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई जो है वो तय करेगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आपका एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। ठीक है, एंड देन लास्टली इन्होंने बात किया हुआ है कि स्ट्रेटेजी में अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हो तो आपकी किस तरीके की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हमने वन बाय वन देखा कि इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग देखा, प्रायोरिटीज़ की बात की हमने, रिलेशन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बात करी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हमने देखा है, एंड देन फाइनली हम देखेंगे अब कि मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी कैसे इसको लेकर आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो जब हम मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं तो इनडायरेक्टली हम बात करते हैं प्राइस स्टेबिलिटी की। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी की जब हम बात करेंगे तो ये कैसे डेवलपमेंट की बात करता है। तो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो होनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट जो है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, नो डाउट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा कि आपकी
जो इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, क्या ये इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, डिप्रेशन की है, ठीक है। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी आपकी एक वेलफेयर की पॉलिसी अपनानी चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो लोग जो है वो काफ़ी लार्ज स्केल पे लोन लेना पसंद करेंगे, और जो ये जो क्रेडिट क्रिएशन जो है ये एग्रीकल्चर को प्रोवाइड इन्हें करना चाहिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। एंड देन इस तरीके से जो हाउस होल्ड हैं उनको भी आपको लोन्स देने चाहिए, ठीक है। अगर इस तरीके की मॉनेटरी पॉलिसी आप की है तो इसे होगा क्या, एट द एंड देखिए, अगर ये लोन अगर वेलफेयर के लिए और किसी न्यू प्रोजेक्ट में लगाने के लिए अगर आप लोन दे रहे हो, दैट मीन्स कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ठीक है। इससे भी जो आपकी एजुकेशन लोन हो गया, ठीक है, तो इस तरीके के जो लोन्स हैं कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट के प्रोसेस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और उसी तरीके से फिस्कल पॉलिसी है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली एक सेंट्रल बैंक बनाती है और फिस्कल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो आपकी फिस्कल पॉलिसी जो है जो कि डील करता है आपके सोशल स्कीम्स को लेकर एंड देन टैक्सेशन को लेकर, तो आपकी टैक्सेशन की जो प्रोसेस है वो कुछ प्रोग्रेसिव होने चाहिए। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इनकम किसी का बढ़ रहा है तो उस पर जो टैक्स है वो हाई होना चाहिए, ठीक है। और जैसे जैसे इनकम कम हो रहा है उसकी टैक्स जो उस पर लग रहे हैं वो कम होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप स्ट्रेटजी लेकर चलते हो तो कहीं ना कहीं आप डेवलपमेंट का जो आपने टारगेट रखा हुआ है उसे आप अचीव कर पाओगे, ठीक है। अब हम देखेंगे आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो आप इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे हो तो इसके फेवर में जो इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इसके फेवर में बात करते हैं, और क्यों इसके फेवर में बात करते हैं, क्या तर्क देते हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो आपकी कंट्री के जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हैं उसे आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाते हो, क्योंकि आपने टारगेट रखा होता है कि इस सेक्टर में, कोल सेक्टर में हमने इतना ग्रो करना है, ठीक है, इतना यूटिलाइज इसको करना है, इतना एक्सप्लॉइट करना है, ठीक है। आपका पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, ऑयल से रिलेटेड जितने भी मार्केट्स हो गए और भी मिनरल्स से रिलेटेड जितने भी आपके एरियाज जो हैं उसको आप प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि आपने एक प्लान किया होता है, ठीक है। अंडर प्लानिंग आपको एक टारगेट रखना होता है। तो इससे होता क्या है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए इसके फेवर में बात की जाती है, क्योंकि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस होता है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन बेटर सोल्यूशन ऑफ बेसिक प्रॉब्लम्स। अब बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हो गए, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इसे ये बेसिक प्रॉब्लम्स है बेसिकली। तो बेसिक ये जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन थ्रू प्लानिंग किया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि प्लानिंग में हमने टारगेट रखा होता है कि हमने क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो ये एक सोल्यूशन है बेसिक प्रॉब्लम का। और बेसिक आपकी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, पॉवर्टी होगी, इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। तो ये सब जो जितने भी ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं थ्रू प्लानिंग इसको रिजोल्व करा जाता है, ठीक है। लेस साइक्लिक फ्लक्चुएशन। तो साइक्लिक फ्लक्चुएशंस आपको जैसे देखने को मिलते हैं, जैसे सिचुएशन ऑफ बूम हो गया, डिप्रेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, ओवर प्रोडक्शन हो गया, तो थ्रू प्लानिंग ये कोशिश की जाती है कि जो ये साइक्लिक फ्लक्चुएशंस जो देखने को मिलते हैं वो उसमें कमी देखने को मिले, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो है यहाँ पे प्लान करा जाता है। एंड देन प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू नीड्स। तो ऐसा नहीं है कि बेहिसाब यहाँ पे प्रोडक्शन किया जा रहा है, जितनी ज़रूरत है, जैसे कि ऑलरेडी इकोनॉमिक प्लानिंग के डेफिनेशन से ही क्लियर है कि हमने कुछ टारगेट्स रखे होते हैं, ठीक है, कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसे डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम में इसको अचीव करना होता है। तो बेसिकली हमने क्योंकि टारगेट रखा होता है, दैट मीन्स व्हाट, कि प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू नीड्स, जितनी हमें ज़रूरत है उसके हिसाब से हम प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन भी इकोनॉमी के हित में नहीं होता है, ठीक है। इकोनॉमिक अगर ओवर प्रोडक्शन कर रहे हो दैट मीन्स व्हाट, आपके पास प्रोडक्शन हाई हो जाएगा लेकिन उसकी डिमांड कम है, तो इससे होगा क्या, एट द एंड कीमतें जो है वो कम हो जाएगी और प्राइस इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। एंड देन बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ का यहाँ पे मतलब ये है कि आपको हर सेक्टर में बैलेंस्ड अप्रोच अपना के चलना पड़ता है। दैट मीन्स व्हाट, कि बैलेंस्ड थ्रू प्लानिंग कि हमने ये डिसाइड करना होता है, हमने ये प्लान किया होता है कि बैलेंस्ड अप्रोच को अपनाया जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक सेक्टर में हमने बहुत सारा ग्रोथ करने का टारगेट रख लिया, एक सेक्टर में हमने नहीं किया। तो एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है थ्रू इकोनॉमिक प्लानिंग, इसलिए इसके फेवर में बात की जाती है, ठीक है। एंड देन प्रॉपर यूज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो
तो प्लानिंग के थ्रू ये भी बात किया जाता है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूज़ कर रहे हो वो एक कंजर्वेशन होना चाहिए, मतलब कि एक सस्टेनेबल होना चाहिए, कि आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल करोगे कि अपकमिंग जो आपकी जनरेशन है वो भी इसको एन्जॉय कर सके, ठीक है। आप इस तरीके से इसको एक्सप्लोइट नहीं करोगे जिससे कि आने वाले टाइम में जो अपकमिंग आपकी जनरेशन है वो इसको एन्जॉय ना कर पाए, ठीक है। लेस इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, तो कहीं ना कहीं थ्रू इकोनॉमिक प्लानिंग ये प्लान कराया जाता है कि जो इनइक्वालिटी है जो इनकम में जो देखने को मिलती है वो उसे कम किया जा सके, क्योंकि इकोनॉमिक प्लानिंग में देखिए इन्वेस्टमेंट का पैटर्न जो है कुछ इस तरीके से किया जाता है कि हर लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड किया जा सके, और जब सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा दैट मीन्स व्हाट, कि सबको सैलरीज मिलेंगी, ठीक है, सबके पास इनकम आएगा, लोग अब डिमांड करेंगे, तो उनके अब इकोनॉमिक इनक्वालिटी जो है वो कहीं ना कहीं थ्रू प्लानिंग इसको रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। इसलिए इसके फेवर में बात की जाती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है इससे, इसलिए इसके फेवर में बात की जाती है। फार साइटेडनेस जो है इसके लिए इसकी इसके फेवर में बात की जाती है, ठीक है। तो क्योंकि ये एक प्लान्ड होता है बेसिकली, ठीक है, तो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए प्लान किया जाता है। फार साइटेडनेस का मतलब होता है दूरदर्शिता, ठीक है, मतलब आपको फ्यूचर को भी देख के मतलब आपको प्लान करना पड़ता है, ठीक है, कि फ्यूचर में पॉपुलेशन कितनी ग्रो होगी तो और उस हिसाब से किस सेक्टर में कितना आपने डेवलपमेंट करना है, तो इसके लिए भी इसके फेवर में बात की जाती है। कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जो कि इसके अगेंस्ट भी बात करते हैं, क्यों इसके अगेंस्ट बात करते हैं हम वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। इकोनॉमिस्ट जो हैं जो कि इसको क्रिटिसाइज करते हैं उनका कहना है कि इससे एंड ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी होती है। देखिए तो कंज्यूमर की जो सोवरेनिटी होती है कहीं ना कहीं इसको चैलेंज किया जाता है थ्रू प्लानिंग, क्यों किया जाता है, देखिए कंज्यूमर ऑर्डिनरली लूजेस हिज सोवरेनिटी एंड ही इज रिड्यूस्ड टू स्टेटस ऑफ स्लेव, क्यों इनकी सोवरेनिटी ख़त्म होती है और क्यों एक गुलामों की तरह जो है इनका स्टेटस बन जाता है हम देखेंगे। ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस बाय द प्लानिंग अथॉरिटी टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द नीड ऑफ द कंज्यूमर, येट द गुड्स एंड सर्विसेज दैट दे आर रियली वॉन्ट आर नॉट मेड अवेलेबल टू देम, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे कोई शक नहीं है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड जो प्रोड्यूस की जाती हैं वो जो देश के आपके नागरिक हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही की जाती है, लेकिन होता क्या है कि जो चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं वो अवेलेबल ही नहीं हो पाती है कंज्यूमर्स के लिए, ठीक है। वट एवर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड इन वट एवर क्वान्टिटी द सेम आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूमर हैव गॉट टू एक्सेप्ट देम, ठीक है। तो ऐसा है कि जितना भी प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, जैसा भी हुआ है वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है, आप इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई ये कह रहे हैं यहाँ पे कि एंड ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी, क्योंकि देखिए सोवरेनिटी जो वर्ड है, ये सोवरेनिटी वर्ड है, इसका मतलब ये होता है सुप्रीमसी, ठीक है। तो कंज्यूमर की जो सुप्रीमसी होती है कहीं ना कहीं ये चैलेंज होती है, ये ख़त्म होती है, क्यों ख़त्म होती है, क्योंकि ये सेंट्रली ऑथोराइज होता है, ठीक है। तो सेंटर ने जो कुछ भी प्रोड्यूस किया, जितना भी प्रोड्यूस किया, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नो रैशनल यूज़ ऑफ प्रोडक्ट रिसोर्सेज, तो ऐसा कहा जाता है कि इसको ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज को, ये ऐसे आरोप लगाए जाते हैं प्लानिंग कमीशन पे, ठीक है, क्योंकि आपके पास अब इसके कई कारण हो सकते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो करप्ट हो सकता है, ठीक है, तो ऐसे आरोप इस पे लगाए जाते हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूरेट स्टेटिस्टिक, तो कई बार होता ऐसे है कि एक अंडर डेवलप इकोनॉमी में जो आपके स्टैटिस्टिक हैं, जो आपके डेटा हैं, वो आपको एक्यूरेट नहीं मिलते हैं, ठीक है, और लेकिन फिर भी प्लानिंग कमीशन जो है वहाँ पे काम करती है। दैट मीन्स अगर आपके पास एक्यूरेट डेटा ही नहीं है तो आप कैसे वहाँ पे प्लान को इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। अगर आप करते भी हो और आपके पास एक्यूरेट डेटा नहीं है तो जो आपने प्लान जो फॉर्मुलेट करा है उसे आप अचीव नहीं कर पाओगे, जो टारगेट आपने रखा हुआ है उसे आप अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। डिफ़िकल्टीज इन द राइट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, तो ये आरोप लगते हैं कि सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट यहाँ पे नहीं किया जाता है। अब इसको नहीं करने के कारण कई हो सकते हैं, जैसे आपके पास नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, कोल, वाटर, ट्रेन, लेबर, ये सब कुछ आपके कारण हो सकते हैं जिससे कि जो इम्प्लीमेंटेशन है जो है प्लान की वो सही तरीके से नहीं हो पाती है, ठीक है। लैक ऑफ फ्रीडम, लैक ऑफ फ्रीडम का मतलब यहाँ पे ये होगा कि जो आपके लोग बाग जो हैं उनको इतनी फ्रीडम नहीं मिल पा रही है, फ्रीडम इतनी नहीं मिल पा रही है क्योंकि ये सेंट्रली ऑथोराइज होता है, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है।
डिफ़िकल्टीज इन प्लानिंग ऑफ एग्रीकल्चर। तो अगर आप एग्रीकल्चर को लेकर अगर आप कोई प्लान बनाते हो तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है अचीव करना। क्यों डिफ़िकल्ट है अचीव करना? क्योंकि एग्रीकल्चर जो है इन इंडिया में, सबसे पहले तो वो एक लेबर इंटेंसिव है, दूसरी बात इसको डिपेंड होना पड़ता है नेचर पे, ठीक है। तो आप जो प्लान कर रहे हो तो आपको सब कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा कि नेचर जो है, क्योंकि नेचर पे डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर इंडिया की, तो इसके चलते भी थोड़ी डिफ़िकल्टीज फेस करने को मिलती है। तो इसलिए प्लानिंग कमीशन जो है उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, प्लानिंग को एक्चुअली जो कंसेप्ट है प्लानिंग का उसको क्रिटिसाइज़ करा जाता है, लेस इनिशिएटिव। तो होता ऐसा है कि सब कुछ जो है प्लानिंग कमीशन ही आपकी तय कर रही है, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, ठीक है, किसे सेल करना है, कितने में सेल करना है, सब कुछ जो है प्लानिंग कमीशन ही कर रही है। तो आपके जो लोग जो हैं, सिटीजन्स जो आपको आपके जो हैं, उनको इतना इनिशिएटिव लेने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। लैक ऑफ एडजस्टमेंट बिटवीन प्राइस एंड वेजेस। तो क्योंकि जब हम एक अंडर डेवलप इकोनॉमी की बात करते हैं, देखिए अंडर इकोनॉमिक प्लानिंग यूजली देयर इज़ अ लैक ऑफ एडजस्टमेंट बिटवीन प्राइस एंड वेजेस। प्राइस आर ऑफन हाई, वर्कर्स आर डिसग्रंटल्ड, दे आर अनेबल टू सेटिस्फाई देयर वॉन्ट्स। तो क्योंकि प्राइसेस जो है काफ़ी हाई होती हैं एक अंडर डेवलप इकोनॉमी में, ठीक है, तो अब उसको अब एडजस्ट करना जो है काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए भी प्लानिंग को क्रिटिसाइज़ किया जाता है इसके बिहाफ पे भी, ठीक है। रिजिड इकोनॉमी, रिजिड इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, इट इज़ अ रिजिड इकोनॉमी, इट इज़ नॉट अमेंडेबल टू चेंज, डिमांड एंड सप्लाई आर नॉट ईजिली एडजस्टेड, एवरी थिंग इज़ प्री डिटरमाइंड, इफ फ्यूचर प्रोबेबिलिटी डू नॉट मटीरियलाइज द इंटायर इकॉनमी स्टैंड टू सफ़र। तो क्योंकि रिजिड इकॉनमी होती है जो डिमांड एंड सप्लाई जो है ईजिली एडजस्टेड इसको नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि प्लानिंग में आपने बात की कि आपने डिमांड एंड सप्लाई को ईजिली आप एडजस्ट कर लोगे, ऐसा नहीं है। रिजिड इकॉनमी होती है एक अंडर डेवलप इकॉनमी की, टाइम लगता है, इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि ईजिली आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ आप प्री डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। तो इस इन इन पॉइंट्स के ज़रिए जो आपके इकोनॉमिस्ट जो हैं इसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन क्रिटिसाइज़ में इतना दम मेरे हिसाब से तो नहीं है, ठीक है। एंड देन नीड ऑफ प्लानिंग इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, क्यों यहाँ पे प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है अंडर डेवलप इकोनॉमी में, वन बाय वन हम देखेंगे। देखिए अगर हम एक एक पॉइंट को पॉइंट बाय पॉइंट अगर हम डिस्कस करेंगे तो काफ़ी ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी कंसेप्ट्स हैं, मैं ऊपर से ही आपको रीड कर देता हूँ कि विशियस सर्कल ऑफ पावर्टी। देखिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए देखिए आपका भी टाइम सेव होगा और मैं कोशिश करूँगा इसे जल्दी से जल्दी कवर कर लूँ। नीड ऑफ प्लानिंग इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि विशियस सर्कल ऑफ पावर्टी होती है एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में। विशियस सर्कल ऑफ पावर्टी के क्या कारण होते हैं हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ, ठीक है। बस एक विशियस सर्कल ऑफ पावर्टी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में होती है, ठीक है। इसको ख़त्म करने के लिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। लैक ऑफ एबल एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स जो है हमारी कंट्री में एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में आपको नहीं देखने को मिलते, इसलिए प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, तो आपके जो रिसोर्सेज जो हैं आपके कंट्री के, उसको अच्छी तरीके से प्राइवेट सेक्टर जो है नहीं कर पाती है उसको यूटिलाइज। तो इसके लिए हमें प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ के चलते हमको प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी दैट मीन्स यहाँ पे एक एक पुअर सेक्शन है, एक यहाँ पे रिच सेक्शन है, ठीक है। तो इनमें एक गैप है, उस गैप को फिल करने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन का रेट जो है काफ़ी लो होता है, इसलिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अनबैलेंस्ड स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, अनबैलेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए आपको प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतने लार्ज स्केल पे नहीं हो पाता है, ठीक है, इसके चलते हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। और थ्रू प्लानिंग जो है, देखिए हम प्लान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कुछ टारगेट्स रख सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हो गया? ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे कि आपके लोग कितने स्किल्ड हैं, कितने एजुकेटेड हैं, ठीक है, कितने इम्प्लॉयड हैं, तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? हॉस्पिटल्स को प्लान के अंडर लेके आओगे, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम जो है मतलब कि आप उसको प्लान के अंडर लाओगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें प्लान की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब कॉम्पिटिटिव
कौन कौन सी समस्याएं जो है वो आपको देखने को मिलती है एक अंडर डेवलप इकोनॉमी में। ठीक है, जब यहाँ पे एक अंडर डेवलप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो आप इसे विद रिस्पेक्ट टू इंडिया समझ सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती हैं? प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो क्यों आती है कि सबसे पहले तो समस्या ये आती है वेदर द ग्रोथ शुड बी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। तो आपने जो बैलेंस्ड है उसको, जो आपका ग्रोथ है उसको बैलेंस रखना है या अनबैलेंस रखना है। ठीक है, तो अगर तो आप बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना चाहते हो तो आपको जो इन्वेस्टमेंट जो है डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंटली करना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग उसको प्रोपोर्शन आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अनबैलेंस्ड अगर चाहते हो, दैट मीन्स कि एक सेक्टर को आप डेवलप करना चाहते हो ज़्यादा, तो उसमें आप लार्ज इन्वेस्टमेंट करोगे। ठीक है, तो क्योंकि आपको प्रायोरिटीज़ जो है वो सोच समझ के लेनी पड़ेगी, तो उसके हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट है उसके संबंधी आपको समस्याएं यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरी अगर प्रॉब्लम की बात करें क्यों देखने को हमें मिलती है यहाँ पे, कि प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे क्योंकि जनसंख्या काफ़ी हाई होती है तो इसको कंट्रोल करना सबसे बड़ी समस्या होती है प्लानिंग के सामने। ठीक है, तो ये एक समस्या है। ठीक है, एंड देन चॉइस ऑफ टेक्निक, ये एक बड़ी समस्या होती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि एक अंडर डेवलप इकोनॉमी में शुरू शुरू में आप लेबर इंटेंसिव जो टेक्निक है उसको इस्तेमाल करोगे, लेकिन लेबर इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन इतना हाई नहीं होता है। तो विद द पासिंग ऑफ टाइम आपको कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जो है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी समस्या आती है प्रॉब्लम ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो जब आप मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हो तो बेसिकली आप बात यहाँ पे करते हो, एक इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो सकती है। बेसिकली यहाँ पे टैक्सेशन की बात की जाती है, डोमेस्टिक सेविंग्स की बात की जाती है। ठीक है, तो बेसिकली होता ऐसा है कि टैक्सेशन के थ्रू अगर आप डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन की इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, डिफ्लेशन की है, टैक्सेशन जो है हाई कर दोगे आप, कम कर दोगे। ठीक है, तो अगर टैक्सेशन का जो रेट है वो अगर हाई कर देते हो तो ये डायरेक्टली जो हिट करेगा प्रोपेंसिटी टू सेविंग को। ठीक है, तो इसके चलते सेविंग आपकी कम होगी, फिर इन्वेस्टमेंट कम होगा, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इससे मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। तो अभी तक हमने देखा कि अंडर डेवलप कंट्रीज़ जो है वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, प्रॉब्लम रिलेटेड टू पॉपुलेशन, प्रॉब्लम रिलेटेड टू टेक्निक। ठीक है, उसके बाद हमने देखा प्रॉब्लम रिलेटेड टू मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, सो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये तो प्रॉब्लम चलिए होता ही है। एंड देन इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, करप्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन, स्किल्ड इतने नहीं हो पाते हैं, तो इसके चलते होता क्या है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है, राइट इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो पाता है प्लान का। ठीक है, लैक ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, ये बड़ी समस्या है कि अंडर डेवलप इकोनॉमी जो है वहाँ पे जो रिलायबल स्टेटिस्टिकल डेटा आपके पास नहीं होता है, तो ये एक बड़ी समस्या होती है। लैक ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन, तो जनता जो है इतनी अवेयर नहीं होती है, आपके साथ घुल मिल नहीं पाती है प्लानिंग के साथ। ठीक है, तो इसके चलते भी जो है प्लान जो जिसको एग्जीक्यूट करना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया। लास्ट है टॉपिक इस चैप्टर से टाइप्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ प्लानिंग अगर आप खुद पढ़ोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। यहाँ पर देखिए मैं ऊपर ऊपर से ही आपको बता देता हूँ, जनरल और कॉम्प्रिहेंसिव एंड पार्शियल प्लानिंग क्या होगी। जनरल की जब आप बात करते हो तो यहाँ पे आप जितने भी टाइप्स के आपने आपके इकोनॉमिक प्लानिंग जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है उसकी आप बात कर रहे हो। ठीक है, चाहे आप बात कर लो पार्शियल प्लानिंग की, चाहे आप बात कर लो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल की, चाहे आप बात कर लो फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्लानिंग की, चाहे आप बात कर लो प्रोस्पेक्टिव एंड पर्स्पेक्टिव प्लानिंग की, चाहे आप डेमोक्रेटिक एंड टोटलिटेरियन प्लानिंग की बात कर लो, चाहे इंड्यूसमेंट एंड डायरेक्शन की बात कर लो, चाहे सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की बात कर लो, जनरल प्लानिंग के अंदर ये सभी प्लानिंग्स आती हैं। ठीक है, एंड देन पार्शियल, द नेम इट सेल्फ सेज कि कुछ सिलेक्टेड सेक्टर की आप बात कर रहे हो। ठीक है, कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स हैं वहाँ पर आप प्लान कर रहे हो तो उसे पार्शियल प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, सेंट्रलाइज नाम से क्लियर है, पूरी तरीके से सेंट्रलाइज होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल जो अथॉरिटी है वो इसको कंट्रोल करती है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज दैट मीन्स कि यहाँ पे सेंटर का जो हस्तक्षेप जो है वो काफ़ी कम होता है। तो ऐसा प्लान जहाँ पे सेंटर का हस्तक्षेप जो है वो कम होता है, इंटरफेरेंस उसका कम होता है, उसे हम कहेंगे डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। ओके, एंड देन फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल प्लानिंग क्या होता है। ठीक है, टाइप्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए जब फंक्शनल प्लानिंग की बात आप करते हो तो जो इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज जो आ रही हैं एक एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक आइडियोलॉजी में, से फॉर एग्जांपल अगर
आपकी कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी वाली गवर्नमेंट है, ठीक है। तो इसमें जो जो दिक्कतें आ रही हैं कि नहीं यहाँ पे थोड़ा सा हमें काम करना चाहिए, तो इससे जो है स्टेबिलिटी जो है आप अचीव कर पाओगे, तो उसमें जो इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ जो है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़, ठीक है, उसमें आप थोड़ा सा चेंज करोगे, ठीक है, विदाउट चेंजिंग सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, ठीक है। दूसरी तरफ आप बात जब करते हो स्ट्रक्चरल प्लानिंग की, तो स्ट्रक्चरल प्लानिंग में क्या होता है, पूरा जो स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर इन द सेंस कि जो आपका सोशल स्ट्रक्चर है समाज का, वेदर इट इज़ अ सोशलिस्टिक कंट्री, वेदर इट इज़ अ कैपिटलिस्टिक सेक्टर, ठीक है। तो आपको पूरे सोच को ही बदलना होता है। से फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंट्री जो है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, ठीक है, तो स्ट्रक्चरल प्लानिंग का मतलब ये होगा कि कैपिटलिस्टिक विचारधारा से निकल कर आपको सोशलिस्टिक विचारधारा को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रक्चरल प्लानिंग। देन फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग द नेम इट्स सेल्फ एक्सप्लेन इट्स एक्सप्लेनेशन कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होगा, जो कि डील करता है सिर्फ और सिर्फ मनी से, मतलब कि आपका बजट कितना है, आप अपने 100 करोड़ जो है आपने इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग होगी कि आपके पास 100 करोड़ रुपीज़ हैं और वेरियस सेक्टर्स में आपको इतना इतना आपने इन्वेस्ट करना है, तो ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग होगी, ठीक है। कुछ इसकी लिमिटेशंस दी रखी हैं, ठीक है, जैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर नॉट अनलिमिटेड, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड नहीं होते, लिमिटेड होते हैं, क्योंकि एक लार्ज एक्सटेंट के बाद जो आप मनी जो है उसको भी प्रिंट आप नहीं कर सकते हो। वेरी हैवी टैक्सेशन में एडवर्सली अफेक्ट द प्रोपेंसिटी टू सेव। तो देखिए जब फाइनेंशियल की बात करते हो तो रिलेटेड टू मनी आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो टैक्सेशन जो है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आप इसको हाई कर सकते हो या फिर लो कर सकते हो, तो हैवी टैक्सेशन जो है उससे भी जो प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग जो है वो कम हो सकती है। हम प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर कुछ लिमिटेशंस लगाई हुई हैं। देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो एवरीथिंग रिलेटेड विद मनी हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नॉन मोनेटाइज सेक्टर्स भी होते हैं, ठीक है, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो नॉन मोनेटाइज सेक्टर्स जो हैं ये मनी का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, इसके लिए डिमांड जो है कम हो जाती है, और डिमांड कम होगी दैट मीन्स वर्ड जो आपने सप्लाई जितना मर्जी प्रोड्यूस करा वो वेस्ट ही होगा। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, आप वन बाय वन इसको डिस्कस कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट, तो ये देखिए नाम से ही स्पष्ट है, इंड्यूसमेंट, आपको प्रेरणा देनी होगी, ठीक है। तो ये प्रेरणा कौन देगी, ये प्रेरणा देगी गवर्नमेंट, ठीक है, थ्रू इंसेंटिव्स, ठीक है। इंसेंटिव्स किस तरीके की, जैसे सब्सिडीज आपको दे दिया, ठीक है, किस तरीके की छूट दे दी आपको, ठीक है, टैक्स रिलीफ आपको दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्लान करा जाता है उसे प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट कहा जाता है। फिजिकल प्लानिंग क्या होता है, फिजिकल प्लानिंग जो होता है उसमें फिजिकल जो आपकी वस्तुएं हैं उसको ऐड करा जाएगा, ठीक है, जैसे कि फूड ग्रेन्स हो गया, क्लॉथ हो गया, शुगर्स हो गए, स्टील्स हो गए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, जैसे हॉस्पिटल्स एंड कॉलेजेस का निर्माण करना हो गया, ठीक है, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। तो जितने भी फिजिकल चीज़ें हैं उसको एक आपने अचीव करना है, वो टारगेट आपने फिक्स करना है, फिजिकल चीज़ें जो हैं, फिजिकल गुड्स जो आपके हैं, तो उसे आप कहोगे फिजिकल प्लानिंग, ठीक है। अब दीज टारगेट्स आर फिक्स्ड वाइल टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द अवेलेबल फिजिकल ह्यूमन एंड कैपिटल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। तो ये जो आपके टारगेट्स हैं इसको फिक्स किया जाएगा, किन किन चीज़ों का आपको देखना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपके पास फिजिकल ह्यूमन एंड कैपिटल रिसोर्सेज कितने हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि जब आप फिजिकल प्लानिंग की बात करोगे तो आपको फिजिकल ह्यूमन एंड कैपिटल रिसोर्सेज की भी बात यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक याद रखने वाली बात ये है कि फिजिकल प्लानिंग जो है इसको अचीव करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग जो है उसका होना यहाँ पे जरूरी है, ठीक है, क्योंकि थ्रू फाइनेंशियल प्लानिंग आपके पास पैसा आएगा, और फिजिकल प्लानिंग को अचीव करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कुछ लिमिटेशंस भी दी रखी हैं फिजिकल प्लानिंग को अचीव करने के लिए, वो कह रहे हैं कि देखिए फिजिकल प्लानिंग जो है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में अचीव करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इनएडिक्वल स्टेटिस्टिक होता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास स्टेटिस्टिक जो है वो रिलायबल नहीं है, ठीक है, एफिशिएंट नहीं है, इतने राइट इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो इसे इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में फिजिकल प्लानिंग को, ठीक है। अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस, तो जैसे आपने क्लॉथ फूड ग्रेन्स की बात करी, तो हमने देखा है कि इंडियन जो एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं मौसम पे वेदर पे काफ़ी
डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो और वेदर किसी ने देखा नहीं है, नेचर का क्या ट्रेंड रहेगा, कितनी बारिश होगी कितनी नहीं होगी, ये किसी ने नहीं देखा है। तो इसके चलते जो आपने फिजिकल टारगेट्स रखे हुए हैं, शायद आप इसे अचीव ना कर पाओ, ठीक है। तो इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, अनफोर्सीन जो आपके सर्कमस्टांसिस हैं, तो इसको देख कर आपको प्लान करना होगा, ठीक है। इन्फ्लेशन को आपको ध्यान में रखना होगा, अगर आपने फिजिकल जो प्लानिंग या आपने टारगेट्स रखे हुए हैं, एक बार अगर आप इसको अचीव नहीं कर पाते हो तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो है वहाँ पे क्रिएट हो जाती है। एंड देन डिपेंडेंस ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग, तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया, ठीक है। एंड देन नेक्स्टली हम देखेंगे प्रोस्पेक्टिव एंड पर्स्पेक्टिव प्लानिंग, ठीक है, या फिर इसे आप कह सकते हो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। यहाँ पे जो प्लान्स ऐसे हैं जो कि शॉर्ट टर्म्स के लिए होते हैं, जैसे रोलिंग प्लान हो गया। बेसिकली रोलिंग प्लान में तो 1 ईयर का भी प्लान होता है, 3 to 5 ईयर्स का भी होता है, एंड देन 10 to 15 ईयर्स का ही प्लान होता है। तो देखिए, शॉर्ट टर्म का जो प्लान है, आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर की बात कर सकते हो, ठीक है। एनुअली प्लान जो होता है उसे आप कह सकते हो शॉर्ट टर्म प्लान, ठीक है। और जब लॉन्ग टर्म प्लान की जब आप बात करते हो, तो यहाँ पे आप बात कर रहे हो जैसे 5 ईयर प्लान हो गया, रोलिंग प्लान के जो थर्ड जो टाइप है उसकी आप बात कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए भी कुछ लिमिटेशंस दी है कि इसको अचीव करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, ये आप देख सकते हो। एंड देन जब आप बात करते हो डेमोक्रेटिक एंड टोटलिटेरियन प्लानिंग की, तो देखिए डेमोक्रेटिक जो है नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा प्लान जो कि कौन फॉर्मुलेट करेगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों की सलाह को लेकर और लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए जो प्लान करा जाएगा उसे डेमोक्रेटिक प्लानिंग कहेंगे। और जैसे कि इंडिया में जो प्लान्स होते हैं बेसिकली वो डेमोक्रेटिक होते हैं, ठीक है। टोटलिटेरियन मतलब कि एक पर्सन के अंडर, ठीक है। तो एक पर्सन के अंडर जो प्लान करा जाता है उसे आप क्या कहोगे, टोटलिटेरियन, ठीक है। तो जब आप टोटलिटेरियन की बात करोगे तो सब कुछ जो है एक पर्सन के ही अंदर है, मतलब कि एवरीथिंग हैज़ टू बी कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन, वन गवर्नमेंट। तो इसे होगा कि यहाँ पे सुप्रीमसी या फिर सुवरेनिटी ऑफ पीपल हैज़ बिन चैलेंज, ठीक है। प्लानिंग बाय डायरेक्शन, तो प्लानिंग बाय डायरेक्शन कह लो या फिर टोटलिटेरियन कह लो, यहाँ पे वही बात है। क्योंकि जब आप प्लानिंग बाय डायरेक्शन की बात करते हो तो आप एक बात करते हो सोशलिस्ट सोसाइटी की, ठीक है, और आप बात करते हो लेजिस फेयर की, ठीक है। लेजिस फेयर का मतलब होता है मुक्त रहने दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लेजिस फेयर की आपको एब्सेंस देखने को मिलेगी एक प्लानिंग बाय डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन कौन देगा, डायरेक्शन जो है वो आपको देगी गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट कौन सी, ऐसी गवर्नमेंट है कौन सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कि डायरेक्शन देती है, वो है सोशलिस्ट गवर्नमेंट। और जहाँ पे सोशलिस्ट गवर्नमेंट है वहाँ पे लेजिस फेयर का कंसेप्ट नहीं होता है, ठीक है। लेजिस फेयर का मतलब होता है मुक्त रहने दो, ठीक है। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वहाँ पे नहीं देखने को आपको मिलेगा। लेकिन जब आप बात करते हो प्लानिंग बाय डायरेक्शन, दैट मीन्स आप बात करते हो सोशलिस्टिक सोसाइटी की, और वहाँ पे एब्सेंस ऑफ लेजिस्फेयर देखने को मिलता है, ठीक है। इससे होता क्या है, इट इम्प्लाइज कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग विद नो फीचर ऑफ अ प्राइवेट इकोनॉमी, ठीक है। तो काफ़ी इजी है इसे समझना, ठीक है। यही है, ये देखिए, इन अदर वर्ड्स देयर इज वन सेंट्रल अथॉरिटी विच प्लान्स डायरेक्ट एंड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। तो प्लानिंग बाय डायरेक्शन का मतलब होता है कि एक ही गवर्नमेंट है, ठीक है, वही आपको डायरेक्शन देगी, सब कुछ जो है उसके कंट्रोल के अंदर ही है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, ठीक है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसको सेल करना है, ठीक है, क्या प्राइस उसके होने चाहिए, ठीक है। ये एक डेमोक्रेटिक प्लानिंग का हमने जो डिस्कस करा था वो उसके कुछ फीचर्स हैं, आप अपने बुक में पढ़ लेना, ठीक है। टोटलिटेरियन भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। एंड देन एक है यहाँ पे रोलिंग एंड फिक्स्ड प्लानिंग, तो मैंने आपसे डिस्कस किया। देखिए, रोलिंग प्लानिंग का फर्स्ट टाइम जो इंडिया में इंट्रोडक्शन जो था, कब इसको किया गया इंट्रोड्यूस, ये था 1978 में, ठीक है। तो यहाँ पे जनता पार्टी थी, इसने रोलिंग प्लान को इंट्रोड्यूस किया। तो बेसिकली रोलिंग प्लान का मतलब ये होता है कि यहाँ पे 3 टाइप्स के प्लान जो है इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, एक एनुअल होता है, एक 3 to 5 ईयर्स के लिए होता है, एक 10 to 15 ईयर्स के लिए होता है, ठीक है, या फिर 10 to 20 ईयर्स आप कह सकते हो। तो ये जो प्लान है इसे रोलिंग प्लान कहा जाता है, ठीक है। सो विद दिस वी कम्स टू एंड ऑफ दिस लेक्चर। सो आई होप कि आपने इंजॉय करा होगा, और आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझाने में मैं कामयाब रहा हूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए, ऐसे टाइप्स क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से जो क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी है। फर्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, डिस्कस इन ब्रीफ द अचीवमेंट एंड शॉर्टकमिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया।
तो आप कहोगे ये तो हमने डिस्कस किया नहीं, ठीक है। देखिए मुझे नहीं पता इन्होंने ये क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, क्योंकि सिलेबस में तो इसे नहीं डाला गया, लेकिन इन्होंने पूछा हुआ है। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको, देखिए इन केस की आपने नहीं कुछ रीड किया हुआ है तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। ये पूछ रहे हैं डिस्कस द ब्रीफ द अचीवमेंट एंड द शॉर्ट कमिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। तो जो हमने आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर्स पढ़े थे, आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट पढ़े थे, उन पॉइंट्स का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। पंचवर्षीय योजना का आप रेफरेंस ले सकते हो यहाँ पे अचीवमेंट के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। आप बहुत कुछ आपके पास लिखने के लिए है, ठीक है, तो आप लिख सकते हो। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है, ये हमने तो डिस्कस किया हुआ है। एंड देन डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन आवर कंट्री, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना के दौरान हमने क्या क्या अचीवमेंट करा, आप वो लिख सकते हो, ठीक है। डिफाइन इकोनॉमिक प्लानिंग ये है कि एक्सप्लेन द अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है। इस तरीके के ही क्वेश्चंस हैं। देन क्रिटिकली इवोल्यूएट द अचीवमेंट ऑफ इंडियन प्लानिंग राइज 1950 to 51। डू यू फील एनी नीड फॉर चेंज इन आवर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। तो इस तरीके के देखिए क्वेश्चंस आ सकते हैं। आई होप कि आप ये सब अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके दिमाग में आ चुका है, क्योंकि हमने वन बाय वन हमने सब कुछ यहाँ पे इस चैप्टर के दौरान डिस्कस किया। हमने देखा कि फीचर्स क्या होते हैं एक एक इकोनॉमिक प्लानिंग के, फीचर्स क्या होते हैं, हमने डेफिनेशंस देखा था, एंड देन ऑब्जेक्टिव देखा था, प्रोसेस देखा था, प्री रिक्वेस्ट कंडीशंस देखेंगे, स्ट्रेटेजी भी हमने देखा, प्रायोरिटीज़ को हमने डिस्कस किया था, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड इकोनॉमिक प्लानिंग ये हमने देखा था, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट देखे थे, टाइप्स देखे थे, नीड्स देखे थे। तो हमने इतना कुछ डिस्कस कर लिया। तो मैं आशा करता हूँ कि कोई भी क्वेश्चंस जो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम्स में, आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।